कैसे प्लस टू करके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं अपनी एजुकेशन पूरी करके बिना LMIA पे 10-15 हज़ार डॉलर खर्च किए गैस स्टेशन में ही काम करके PR अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जी गाइस, वेदर बहुत ही अच्छा है बाहर। आज बाहर मैं वॉक करने आया था और मैंने सोचा वॉक करते करते आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी शेयर कर दूं तो आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो पहले तो थोड़ी सा मैं आपको LMIA के बारे में बताऊं। LMIA होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर को अगर कोई एम्प्लॉई नहीं मिल रहा उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल एक गैस स्टेशन पर किसी को चाहिए बंदा जो कि एज ए सुपरवाइज़र काम करे, एम्प्लॉयर को नहीं मिल रहा, तो वो LMIA दे के किसी बंदे को रख सकता है अपने पास। और बंदे का ये फ़ायदा होता है कि वो PR उसको मिल जाती है LMIA से। पर इशू क्या है इसमें कि LMIA मिलनी इतनी इजी नहीं है कनाडा में, और यहाँ पर जो एजेंट्स या लॉयर्स होते हैं वो 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर लेते हैं स्टूडेंट से ताकि वो कनाडा में पक्के हो सके, उन्हें LMIA मिल सके, जो कि एक तरह से एक सही तरीका भी नहीं है पक्का होने का कनाडा में। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे OINP प्रोग्राम, ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में जो प्लस टू करके आते हैं वो भी बिना वो 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चे पक्का हो सकते हैं। तो गाइस, OINP के अंडर तीन मेन प्रोग्राम होते हैं जो कि है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर, ह्यूमन कैपिटल एंड बिजनेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के बारे में। तो बेसिकली गाइस, इसके अंदर तीन मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। वो अगर तीन मेन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई तो आप कनाडा में वो गैस स्टेशन से काम करके PR ले सकते हैं। और इस वीडियो में इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम में जो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं गैस स्टेशन में काम करके पक्के होने के लिए, तो उन्हीं रूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बाकी रूल्स डिटेल में जो लिंक से मैंने पढ़े वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा ताकि और डिटेल में आप उनके बारे में पढ़ सको। तो जी गाइस, वो तीन मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट, एप्लीकेंट रिक्वायरमेंट और तीसरी है एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट। तो जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट में जिन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी जो पोजीशन है वो फुल टाइम परमानेंट हो, ऐसे ना हो कि उसमें लिखा हो कि मुझे 8 मंथ्स या सीजनल या एक साल के लिए बंदा चाहिए। आपकी पोजीशन फुल टाइम परमानेंट होनी चाहिए। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है गाइस, वो ये है कि जो आपकी वेज है ना वो मिनिमम वेज से ज़्यादा हो, और जो जॉब बैंक की वेबसाइट है वहाँ पर जो आपके NOC कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम वेज लिखी है उससे ज़्यादा हो। और ये चीज़ें तो ऑलमोस्ट मतलब इतनी मुश्किल नहीं है, आपको मिल ही जाएंगी अगर आप गैस स्टेशन पर काम कर रहे हो। और अगर आप एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहे हो तो आपका NOC कोड 6211 होगा। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ गाइस, तो आप उस लिंक पे जाके देख सकते हो कि NOC कोड 6211 के लिए मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपकी जो वेज है वो कम से कम उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जी, अब बात करते हैं एप्लीकेंट रिक्वायरमेंट की। तो एप्लीकेंट रिक्वायरमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट है कि आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा कनाडा में किया हो। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपनी इंटेंशंस शो करनी है कि आप ओंटारियो में ही रहोगे अगर आपको OINP के अंडर PR मिल जाती है। ऐसा ना हो कि आपने ओंटारियो से PR ले ली, उसके बाद आप भाई मूव कर रहे हो अपना ब्रिटिश कोलंबिया या अल्बर्टा, तो वो ये चीज़ देखते हैं कि आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली है ओंटारियो में, आपकी इंटेंशन है या नहीं। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको अपना स्टडी कंप्लीट करने के 2 साल के अंदर अंदर ये जो है प्रोसेस ये स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब जी बात करते हैं एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप इसके अंडर PR अप्लाई कर रहे हो। तो एम्प्लॉयर की तरफ से भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफ़िल होनी चाहिए। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि वो बंदा जो भी जिसके गैस स्टेशन हैं वो एटलीस्ट 3 साल से अपने वो गैस स्टेशन ऑपरेट कर रहा हो। ऐसा ना हो कि भी अभी 6 महीने पहले उसने काम शुरू किया और वो आपको OINP के अंडर PR दिलवा रहा है, वो चीज़ नहीं चलेगी। कम से कम 3 साल से हो बिजनेस में। तो अगली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वो अपने गैस स्टेशन
GTA के अंदर ऑपरेट कर रहा है तो उसकी मिनिमम ग्रॉस इनकम जो है वो $1 million होनी चाहिए, और अगर वो GTA के बाहर है जैसे कि किचनर या लंदन ऐसी सिटीज़ में अपने गैस स्टेशन ऑपरेट कर रहा है तो उसकी जो ग्रॉस इनकम है वो होनी चाहिए $500 million एट लीस्ट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो एम्प्लॉयर गैस स्टेशन ऑपरेट कर रहा है GTA के अंदर तो उसके मिनिमम उसके पास 5 ऐसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो कि सिटीज़न हैं या एज ए PR कैनेडा में रह रहे हैं। अगर वो GTA के बाहर हैं उसके गैस स्टेशन तो मिनिमम अगर 3 भी हैं उसके पास ऐसे एम्प्लॉई जो कि सिटीज़न या PR हैं तो आपका काम बन जाएगा। और गाइस ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है इस चीज़ को फुलफ़िल करना, क्योंकि जो ये गैस स्टेशन जैसे हम इंडियंस आते हैं कैनेडा में और जो काफ़ी सालों से कैनेडा में रह रहे हैं तो उनके जैसे 2-4 गैस स्टेशन तो होते ही हैं और उनके वो फैमिली रन बिजनेस होते हैं तो उनके घर के ही बंदे जो PR या सिटीज़न हैं वो उन गैस स्टेशन पर काम कर रहे होते हैं तो वो 3-5 तो ईजिली पूरे हो ही जाते हैं। और जो लास्ट रिक्वायरमेंट है गाइज वो ये है कि आपको अपने एम्प्लॉयर से एक फॉर्म फुलफ़िल करके लेना पड़ेगा जो कि आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो गाइज ये तो थे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो कि पूरी करनी ज़रूरी हैं अगर आपको गैस स्टेशन से काम करके PR लेनी है और अपने LMIA के पैसे बचाने हैं। तो ये सारी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मैंने ऑनलाइन पढ़ी कैनेडियन वेबसाइट से, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ ताकि आप और इन्फॉर्मेशन वहाँ से जाके पढ़ो और आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल की सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइज टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।